लंडन में नून लीग की अहम गडजाणी कानूनी टीम नवाज शरीफ के दे वरण लाए क्लियरेंस दई छी गडजाणी दौरान कानूनी टीम ब्रीफिंग दींदे नवाज शरीफ के दे वापसी ते केसेस में कानूनी मसलन के मुंह न देनो पवंदो नवाज शरीफ की वापसी लाए हिकमत अमली के भी हतमी शकल दिनी वही लंडन में मुखालिफ धुर के अगवान राजा रियाज भी नवाज शरीफ से मुलाकात कर नून लीग में शमूलियत जो बाजाबता ऐलान कर छो अगूणे वजीर आजम शहबाज शरीफ चाहो है नैब तरमीम बाबत सुप्रीम कोर्ट जो फैसलो अफसोसनाक है नवाज शरीफ से कूड़ा और बेबुनियाद केस ठाया व्या कुछ भी थी पवे नवाज शरीफ 21 अक्टूबर से हर हाल में डे वर नून लीग के सीनियर नायब सदर मरियम नवाज चाहो है पाकिस्तान ठाइंदड़न के वेलकम साजिशन के गुड बाय नवाज शरीफ के माइनस कंदड़ पा माइनस थी वया केपी में पार्टी अगवान के खिताब कंदे मरियम नवाज चाहो है नवाज शरीफ के माइनस कंदे कंदे मुल्की तरक्की के माइनस कह वो आवाम की तकलीफुन जहा ढी खत्म थियण वा सियासत में ज़ियाउलहक अदलिया में इफ्तिखार चौधरी की वाकियात नथा चाहें जावेद इकबाल सैफुल रहमान वो इख्ताब भी कबूल ना अदलिया में जस्टिस कयूम वो माइंडसेट भी नथो घुर्जे पीपुल्स पार्टी अगवाणन जा अगूणे एतादी नून लीग से नालो खण बिना वार नदीम अफजल चंद है जैसे केर वोट के इज्जत दियो वारे नजरे का भगो है असो डो ना असा पांच नजरे ता नायू हटिया फैसल करीम कुंडी है एक जमात चई रही है इलेक्शन जनवरी या फेबररी में कराई वे कुछ पार्टियों सदाई सहारे की गुलामी हूं हैं असा कदें भी कें सहारे से नयू हलिया इलेक्शन कमीशन चूंडन की तारीख दियण का छो भजी रही है पीपी वट भुट्टो जिंदा है जे नारे का सवाय अवाम के दिन लाए कुछ ना है पीपीए की कारकर्दगी हमेशा बुड़ी रही है असा चूंडन में कारकर्दगी के बुनियाद से वी नून लीग अगवान हनीफ अब्बासी है नून लीग कदें न चो है पीपी से चूंड इताद कर वो नवाज शरीफ एक भेरों बेर कौम के एक कर चे प आम चूंडन में देर जो इम्कान नजर न पे अचे अमन अमान सरहदी सूरताल सबब चूंडन में देर न थी चूंड अमल इलेक्शन कमीशन जो मैंडेट है तारीख जो ऐलान भी इलेक्शन कमीशन के ही करो है सियासी पार्टियों के इलेक्शन में बराबरी के बुनियाद से मौको मिलन घुर्जे निगरान वजीर आजम अनवर उल्लाह काकड़ चाहो है तालिबान वायदो किया हो अफगान सरहद पाकिस्तान खिलाफ इस्तेमाल न थी पाकिस्तान एक ही वक्त ओलह ओभर की सरहदन से खतरन के मुंह दई रो है सरहदी खतरन के असरायती अंदाज में जवाब दियण वरी जरूरत वधी वई है यकीन है तो पाकिस्तान सरहदी खतरन के मुंह दई वठंदो निगरान हुकूमत जा समूरा फैसला मुल्की मुफाद में हूंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल रिटायर्ड थी वो जस्टिस काजी फैजी साह सुभाणे सुप्रीम कोर्ट के 29वें चीफ जस्टिस जो हलफ खणंदो सदर आरिफ अलवी जस्टिस काजी फैजी साह के चीफ जस्टिस तौर हलफ खणाई तकरीब सुभाणे सुबह सवा 10 वगे थी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स स्टाफ के अलविदाई खिताब दौरान रोहणार को थी वो तो सुप्रीम कोर्ट के जज तौर अवां सां तमाम सुठो वक्त गुजरियो मुझी हालत हाने लहंदड़ सिज जड़ी है रानीपुर की पीरानी हवेली में मासूम फातिमा से ज्यादती और बदतरीन तशद्दुद सबब संदस मौत थियण की तस्दीक की वही हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जा तफसील सामू अची वया रिपोर्ट मूजिब 10 साल की फातिमा जो मौत तशद्दुद बाद दिल बेहण सबब थो रिपोर्ट में फातिमा से ज्यादती की भी तस्दीक कई वही
खैरपुर पुलिस जवाबदार पया चाहे हिना शाह के अना गिरफ्तार न कर सकी। एसएसपी खैरपुर फातिमा कतल केस जो जांच ऑफिसर बचल काजी के हटाए छो। डीएसपी सफीला सोलंकी नओ आयो मुकर्रर। सिंध के कच्चे में धड़ेल के खात्मे जो मिशन। सखर घोटकी कंदकोट और कशमोर के कच्चे में रेंजर्स चौकियों कायम कर वरतियों। कच्चे के दाखिली और खारजी रस्तन से बे पुलिस से गड रेंजर्स जा जवान मुकर्रर। ऑपरेशन में सो वठण लाए सखर का बे रेंजर्स जा जवान कच्चे में पहुंची वया। सिंध की निगरान हुकूमत की खातिरन बावजूद शहीद जान मोहम्मद मर जा कातिल गिरफ्तार न थे। कलम धड़न जो एहतजाज जारी। सिंध जर्नलिस्ट काउंसिल पारा सूमर खां एहतजाज जो ऐलान। कराची में शहीद जान मोहम्मद मर की याद में ताजती मिड़ाके के खिताब कंदे सीनियर साफिन कातिलन की गिरफ्तारी लाए निगरान हुकूमत पारा वरतल मोहलत खत्म की वही। मुख्य जवाबदार आजाद घुमी रहा कातिलन की गिरफ्तारी एहतजाज जारी रहा। सिंध जर्नलिस्ट काउंसिल पारा सूमर दिहाड़े कराची प्रेस क्लब अगैं एहतजाजी कैंप लगाई वी। सखर में प्रेस क्लब और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पारा 34 ढी बे भुख हड़ताल कई वही। गरीब आवाम के एतरो कियो जो असा के जहर दियो ये उहे पैसा न थो त तां बुधाए छरो त असा पांजा पैसा खणी पाण जहर खाइंदा से। तमाम तकलीफ वधी हुई है। महंगाई सफा मानून गरीबन जो खास करे तेल भनी छी। हुकूमत असे चवे थी मोटरसाइकिल सारी बंद कियो चढ़ो ही नजे बचंदे काडे कयो एक वेलो मानी खारायूं था एक वेलो भुख ते अस वेठा आयूं। गरीब मानू असार रुपया खी ड्राइवर दे पंद्रह रुपया पैसा ही ना बार समेत दंग से वेठा आयो क्यों। असा तो गरीब मानू असा तो पांजे पेट में ही पूरा हूं। हालात अड़ा थी आए जो गरीब खुदकशी करने से तैयार है। पेट्रोलियम शयन के अघन में घाटे टोड़ा इजाफे। महंगाई सटल आवाम जो जीण रुख्य बनाए छो। मुख्तलिफ शहर में एहतजाजी मुजाहरा निगरान हुकूमत दौरान पेट्रोल के फी लीटर से 59 रुपया इजाफे खिलाफ कराची हैदराबाद से गड़ मीरपुर खां सिद्धार्थकोट और कंबर में एहतजाजी मुजाहरा। सखर में मोटरसाइकिल के कफन पहराए अलामती जनाजो कढ़ियो वो। कंडियारो में सियासी समाजी धुरन और शायरन जो आइनो खणी केक काटे धाराधार अनोखो एहतजाज। टंडो गुलाम हैदर खानपुर महर कंडियारो बाडर फुलजी स्टेशन मीरापुर बठोरो और बेन शहर में भी एहतजाजी मुजाहरा कया व्या। आवाम जो चवण है तो हुकूमत पेट्रोलियम शयन के अघन में वाद कर जीण जो हक भी खसण चाहे थी। लाइन ऑफ कंट्रोल से फायरिंग बाबत भारत जो पूरी दवाओं वाइकू थी व्यू। भारतीय मीडिया पारा रिपोर्ट्स नशर कई पी वन एलओसी से भारतीय फौज दहशतगर्दन खिलाफ ऑपरेशन में रुधल है। एलओसी ए भरपासे के रहवासन तरफा जारी कल वीडियोज में चयो है एलओसी के बिन्हीं तरफन का कें भी किस्म की फायरिंग या ऑपरेशन न पो थे। तजियाकार सवाल किया है सरहद से हालतू एतर खराब आन भारतीय फौजी मारजी रहा तो मोदी कड़ी गाल ते जशन मल्हाए रो है। मोदी सरकार चूंडन का अगु भी अड़ा हरबा इस्तेमाल करे इल्जाम पाकिस्तान मसा मड़ी रही है। कराची के डिफेंस पुलिस
ढीह अगो गुम थियल निगरी के बाजियाब कराए वरतो। एक जवाबदार गिरफ्तार। पुलिस जी सीसीटीवी फुटेज की मदद से कार्रवाई। 13 वरन की निगरी वजिया के बाजियाब कराए जवाबदार शायर अली के गिरफ्तार करे वरतो। निगरी एक घर में मुलाजमत कंदी हुई, ढी अग कम से वींदे गुम थी वही हुई। ओस्ता मोहम्मद वेझो एक ही गोठ जा ब मासूम बाड़ा पानी के तलाब में इंजंदे बुड़ी फौत। गोठ मोहम्मद पनाह चांडियो वासी शान वरन की तस्मीना है शान वरन जो रजाक चांडियो बुड़ी फौत ही वया। इलाके वास बिन्हीं बाड़न जा लाश कढ़ी वरता। रबी अवल जो चंड नजर न आयो। पहरी रबी अवल सूमर ढी 18 सेप्टेंबर से थी। 12 रबी अवल 29 सेप्टेंबर जुमे से थी। मर्कजी चंड ढिसणी कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद चाहे तो मुल्क में किथा भी रबी अवल के चंड नजर अचण की शहादत न मिली। अफ्रीकी मुल्क युगांडा में कशहरी एक ही वक्त 7 नारन से शादी कर छी। परदेही मीडिया मुजिब 43 वरन के हबीब सुकोनेन नाले एक बिजनेसमैन एक तकरीब दौरान एक ही वक्त 7 छोकरन से शादी कई जैमें ब सगियों भेनर भी शामिल हैं। हबीब पांजन समूरन जालों के मुंह दिखाने एक एक गाड़ी तोहफे में दिनी।